नमस्कार, सत्यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। विधवा महिला के आवास का 42,000 का हुआ घोटाला, ग्राम चौपाल में खुली पोल। शासन की मंशा की विपरीत कर्मचारियों का कार्यशैली इन दिनों देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष को ही मन से बुलवाना शायद उचित नहीं समझा। गांव की समस्या का गांव में ही समाधान के लिए ग्राम चौपाल के अंतर्गत मिर्जापुर जनपद के विकासखंड 96 के ग्राम पंचायत सुमतिया में और ग्राम पंचायत कुसहा में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत सभी विभागों के कर्मचारियों ने अपने अपने विभाग की बातें लोगों के बीच में प्रस्तुत की। ग्राम पंचायत सुमतिया में चौपाल के दौरान एक विधवा औरत रोते रोते बतलाई कि आवास का पैसा उसके खाते में आ चुका था, लेकिन किसी व्यक्ति ने धोखे से 12,000 और 32,000 कुल 42,000 रुपया निकाल लिया। ये ना देवी कहाँ करवा? राजमन बखौरा, बखौरा राजमन, राजमन बखौरा, ये सुमतिया गांव में। हाँ, सुमतिया सफाया। तो क्या समस्या है आपकी, क्या शिकायत है? भाई हम पैसा दे रहे, प्रधान आए हमारे घर पर, कहें कि तुम्हारा आवास है, पैसा निकाल लिया। हाँ। तो हम गए आवास पैसा निकाले तो मैं पैसे ने बैंक वाले कहते हैं कि नहीं आया। तो पैसा प्रधान जी तो बोले पैसा आया है, तो पैसा कौन निकाल लिया? पता नहीं साहेब, पैसा गायब। हाँ, पैसा गायब। तो पहले से भी कुछ खाता में पैसा रहा? पहले कुछ पैसा रहा खाता में? सही रहा। वो पैसा बचा हुआ नहीं, वो निकाल ले। हाँ। जिस पर खंड विकास अधिकारी ने कहा तत्काल थाने में FIR दर्ज करवाया जाए। गांव का ही एक व्यक्ति मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 3 महीनों से पंचायत भवन का चक्कर लगा रहा था, लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई नहीं की गई। वहीं कई महिलाएं ग्राम चौपाल के दौरान शिकायत करना चाहा, लेकिन शिकायत करने का मौका नहीं दिया गया। वहीं एक व्यक्ति ने खंड विकास अधिकारी के सामने सुनवाई नहीं होने पर गाड़ी के आगे बैठ गया। आपको बता दें कि शिकायत केंद्र भले ही बनाया गया था, लेकिन शिकायत लिखने के लिए कोई मौजूद नहीं रहा। ग्राम चौपाल सिर्फ शोपीस बना हुआ था। मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सुजीत मदनवाल को भी वक्ता के रूप में नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर मंडल अध्यक्ष काफी नाराजगी व्यक्त की। वहीं ग्राम पंचायत कुसहा में ग्राम चौपाल के तहत सभी विभाग के कर्मचारियों ने अपनी अपनी बातें रखी। कुसहा में आवास की समस्या ज्यादा आई। लोगों ने कहा कि मात्र 17 आवास से पूर्ति नहीं हो पाएगी। मंडल अध्यक्ष सुजीत मदनवाल, खंड विकास अधिकारी हरिओम गुप्ता, खंड शिक्षा अधिकारी राजेश श्रीवास्तव, सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रभा शंकर पटेल, ADO AG, ADO ST, ADO समाज कल्याण, ISB ग्राम विकास अधिकारी पीयूष दुबे, ग्राम विकास अधिकारी शशिकांत यादव, BAM शैलेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान कृष्णदेव पांडे, ग्राम प्रधान भोलानाथ, पंचायत सहायक रोजगार सेवक ग्रामीण मौजूद रहे। सत्यात्रा न्यूज से आस्तु शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। रामलालन, किस गांव से है? मैं ग्राम सभा सुमतिया से हूं। अच्छा, क्या समस्या है? समस्याएं सर मेरी कृषि विभाग से भी थी एक, और एक समस्या मेरी मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में था। आज जन चौपाल लगा था, उसमें आपने समस्या नहीं उठाया? आज जन चौपाल लगा था, मैंने अपना अपनी समस्याओं को उठाना चाहा, लेकिन हमें मौका ही नहीं मिलना, बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। अधिकारी चौपाल तो ये ग्रामीणों की समस्या के लिए बनाई गई। जी जी जी, चौपाल जो है ग्रामीणों की समस्याओं के लिए समाधान करने के लिए बनाया गया है, लेकिन जब ग्रामीणों को लोगों को मौका दिया जाए, जो है कुछ उनकी बातों को सुना जाए, उनकी बातों पर पहल किया जाए, उनकी बातों का समाधान किया जाए, तब तो लोगों को मौका मिलेगा। तो क्या लगता है ऐसे चौपाल रहने से? ऐसे चौपाल से तो मुझे लगता है कि मिथ्या चौपाल लगाई जाती है, केवल कोरम पूरा किया जाता है, सरकार को फोटो खींच करके भेज दिया जाता है, औपचारिकताएं पूरी की जाती है। लोगों की पर्सनल समस्या क्या थी? जी, मेरी पर्सनल समस्याएं दो थी। एक तो किसान जो लाभ मिल रहा था, जो है उनके बारे में मैं पिपराडांड कृषि कार्यालय प्रधान कार्यालय में कई बार 10 बार लगभग चक्कर लगा चुका, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और मेरी माता का देहांत लगभग 3 महीने पहले हो चुका है। मैं पंचायत मित्र के पास कम से कम 10 बार जा चुका हूं, और वहां केवल वो उनका कहना होता है कि आप 11 बजे जाए। जब मैं 11 से 1 के बीच में गया हूं तो वो कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। समस्या नहीं कही जी? अभी कहे तो आज मुझे प्रपत्र मिला है। वो सेक्रेटरी से नहीं मुलाकात की? सेक्रेटरी से मुलाकात की, ADO पंचायत साहब से मुलाकात की। ADO पंचायत साहब ने आज मुझको जो है तो मृत्यु प्रमाण पत्र। कितने दिनों से आप दौड़ रहे हैं इसके? 3 महीने से तीन महीने से दौड़ रहे हैं, और अभी तक आपका काम नहीं हुआ? आज ये हुआ। तो क्या लगता है इस तरह की चौपाल रखने से? इस तरह की चौपाल रखने से कोई मतलब नहीं रहे, गाँव की जनता का कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि ये सब जनता को गुमराह किया जा रहा है ऐसी चौपाल से। जी, मेरा नाम भोलानाथ बिन ग्राम प्रधान कुसहा। आज चौपाल का कार्यक्रम लगाया गया है कुसहा न्याय पंचायत में, उसका कार्यक्रम चल रहा है। विकास खंड अधिकारी BDO साहब आए हुए हैं, और ब्लॉक के सभी कर्मचारी और अधिकारीगण आए हुए हैं। गांव की जनता
आई हुई है और सम्मानित लोग भी आए हुए हैं गांव के। उसमें जो काम चल रहा है नरेगा हो या वित्त हो काम, वो काम का पूरा विवरण और रखा गया है जनता के सामने। जो काम नहीं हुआ है उसके बारे में जनता को बताया जा रहा है। ये ग्राम चौपाल लगाने से ग्रामीणों को क्या फायदा होगा? ग्रामों को जानकारी मिलेगी कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, मोर्चा में क्या काम की जरूरत है, कैसे कराया जाए। जनता उनके जानेगी सुनेगी, उसको देखते हुए काम प्रधान काम कराएगा। जी, कुछ लोग आवास की मांग कर रहे हैं। आवास की तो इतनी मांग है कि कुछ मैं मत कर रहा कि आवास हर घर घर चाहता जनता के। जो गरीब बा वो छूट जाता, जो अमीर बा तो पहले लेवा चाहता। अच्छा अच्छा, गरीब तो पहुँचा ही नहीं आवास। इस वित्त वर्ष में कितने आवास आपके यहाँ आए हैं? 17 आवास। मात्र 17? मात्र 17 आवास। कई जन बोल 17 जने के पड़ा था हमारे यहाँ। क्या आप इस 17 में आप पूरे गांव को संतुष्ट कर पाएंगे? 17 में का सौ मिले तब संतुष्ट होगा जनता। धन्यवाद।